हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना वेट किए आप स्टील बार का वेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हाउ टू फाइंड वेट ऑफ स्टील बार्स। ओके, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ इसका फॉर्मूला इन मीटर, मतलब मीटर में अगर वेट निकालना है तो क्या होगा। डी स्क्वायर बाई 162 के जी मीटर, और इन फीट में निकालना है ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये मीटर के लिए और ये फीट के लिए। 533 डी स्क्वायर बाई 162 के जी मीटर स्क्वायर, ये मीटर के लिए, और फीट के लिए डी स्क्वायर बाई 533 के जी फीट में। अब जो भी निकलेगा ये फीट में निकलेगा। ओके, अब जैसे यहाँ डी क्या है अपने पास, डी ए डायमेस डायामीटर्स ऑफ स्टील बार। लाइक मेरे पास 8 mm का डायामीटर वाला है, 12 mm का स्टील बार, 10 mm, ये सब स्टील बार ये डायामीटर्स। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जैसे लाइक एक मेरे पास प्लॉट है, एक मेरे पास प्लॉट एरिया है ऐसे 30 फीट 40 फीट। ओके, ये 30 फीट, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया 8 mm का डायमीटर का मीटर का स्टील बार। ओके, तो इसका मेरे को वेट निकालना है, तो ये 1 फीट के लिए निकलेगा, 1 फीट के लिए। ओके, 1 फीट के लिए, तो डी स्क्वायर बाय 533 है, तो डी कितना है, 8 × d² ओके, तो डायमेंशन क्या है, 8 × 8 533, ये 1 फीट के लिए निकला, तो 60 / 533 करेंगे तो अपने पास 0.120 निकल गया, ये के जी फिट का स्क्वायर। ओके, 1 मीटर के लिए, 1 फीट के लिए, सॉरी 1 फीट का वेट इतना होगा। अब मेरे को एक पूरा यहाँ से निकालना है वर्टिकल, यानी 40 फीट का निकालना है, तो 40 फीट का निकालना है, तो 1 फीट का है तो मेरे को 40 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, 0.120 के जी फिट का स्क्वायर, तो ये निकला, तो ये मेरे पास कितना है, 4.80 अप्रोक्स, ये कितना है के जी फिट, मतलब कि 40 फीट के लिए मेरे पास एक स्टील का इतना है। अब मैंने जैसे कितने यूज़ किए, इससे 30 फीट, मतलब ऐसे एक का इतना है, मैंने 10 बार स्टील यूज़ किए, तो 10 × यानी कि टोटली 40 kg.803 यानी कि 48.30, यानी मैंने 10 स्टील बार 40 फीट के 10 स्टील बार मैंने यूज़ किए, तो मेरा 50 किलो अप्रॉक्सीमेटली 48 किलो स्टील बार जाएगा, वो भी वर्टिकल लाइन में से। ओके, अब मेरे को हॉरिजॉन्टल निकालना है तो हॉरिजॉन्टल निकाल दूंगा, ऐसे कैसे समझे, ये स्क्वायर 1 फीट के लिए इतना आएगा। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।